जब पत्रकार ने नीरज से पूछा क्या आप खुद को सुपरस्टार महसूस करते हो, तब नीरज ने दिया ऐसा जवाब। ये खबर जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी तमाम खबरों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कल सोमवार यानी कि 9 अगस्त नीरज चोपड़ा भारत लौट आए हैं, जहां सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिल्ली के एक होटल में शानदार पार्टी रखी गई थी और सभी को काफी मान सम्मान भी दिया गया। लेकिन भारत लौटने पर अब मीडिया न्यूज चैनल वालों ने नीरज के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं और ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें कई दिलचस्प बातें जानने को मिल रही हैं, खास तौर पर नीरज को लेकर, क्योंकि नीरज ने हाल ही में टाइम्स नाउ के साथ दिए एक इंटरव्यू में एक बात कही, जहां एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप अपनी इस अचीवमेंट के बाद लोगों से मिल रहे रिस्पॉन्स से खुद को सुपरस्टार जैसा महसूस कर रहे हो, तब नीरज ने धैर्य पूर्वक काफी प्यारा सा जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं इसके बारे में ना ही सोचूं तो अच्छा है, क्योंकि अब मुझे आने वाले कंपटीशन पर फोकस करना है। पत्रकार ने नीरज से ये भी सवाल किया कि आप इस सफलता के बाद कई लोग आपके फैंस बन चुके हैं, खासकर यंग लड़कियां, क्योंकि आप इस वक्त में भारत के एक एलिजिबल बैचलर हो और आपके हैंडसम लुक से और आपकी इस जीत के बाद सभी लड़कियां आप पर लट्टू हो गई हैं। ये सवाल का जवाब देते हुए नीरज ने कहा कि ये अच्छी बात है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली गेम्स पर ही फोकस करना चाहता हूँ। नीरज का मानना है कि स्पोर्ट्स में ऐसी फीलिंग आना कुछ खतरनाक हो जाता है, तो मेरा तो यही कहना है कि मैं फिलहाल अपनी आने वाले कॉम्पिटिशन पे ही ध्यान दूँ। तो दोस्तों, नीरज के इन बातों पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।